सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सब देख रहे हैं आर्क सर्वाइवर इवॉल्ड। हम मालूम है तेरे बाप को मत। तो गाइस, आज हम लोग क्या टेम करने वाले हैं? तो गाइस, हम लोग आज क्या करने वाले, यूनिकॉर्न टेम करने वाला है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि गाइस हमारे मतलब हमने एक यूनिकॉर्न पकड़ा था। तो गाइस, सबसे पहले हमने बाद में उसे ग्रिफिन पकड़ा। ग्रिफिन का मतलब मैंने अभी तक ब्रीड नहीं किया, तो उसके बाद ग्रिफिन को ब्रीड करने वाला। तो गाइस, अभी ग्रिफिन को अपन ने अभी टेलीपोर्ट किया है, जस्ट अभी ग्रिफिन टेम करके आए। तो गाइस, जाके पहले पिछला वीडियो जाके देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें ग्रिफिन सॉरी यूनिकॉर्न और कहाँ मिला था और हमने ग्रिफिन कहाँ पकड़ा था। तो जैसे कि मैंने कहा, वो आपको सबसे पहले अपने ब्रीडिंग सेंटर में अपने ग्रिफिन को लेके जाते हैं। तो गाइस, ये ब्रीडिंग सेंटर है, समझ रहे हो आप किसी को मालूम नहीं है। तो जाके मेरा वीडियो देखो चैनल के, आपको सब पता चल जाएगा हमने कैसे और कहाँ से ब्रीडिंग सेंटर बनाया। तो सबसे पहले गाइस, जैसे हमें मिला था, पता है सबसे पहले आप सबको पता ही होगा यूनिकॉर्न मिला था। तो हमें कहाँ पर मिला था गाइस? तो गाइस, हमें यहाँ पर यूनिकॉर्न मिला था। ओह माय गॉड, था तो यहाँ से हमने यूनिकॉर्न उठाकर सीधे हमारे बेस तक लेके गए थे। जैसे आपको मालूम नहीं होगा, जाके मेरे पिछले वीडियो में जाके देखो हमें यहाँ पर कैसे यूनिकॉर्न कहाँ से मिला था। और जैसे मैंने पूछा भी था इसके लिए आपको कितने केबल लगेंगे, तो मेरे एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया भी कम से कम 9 केबल लग सकते हैं, तो इसलिए मैं डर गया वो बहुत ज़्यादा। तो गाइस, बेस पर आ चुका हूँ मैं। तो बेस पर आने के बाद आपने अपना ग्रिफिन भी टेलीपोर्ट कर दिया और ग्रिफिन को अभी मतलब ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, मतलब बुला लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्रिफिन को लेके चलते हैं अपने ब्रीडिंग सेंटर के अंदर। जैसे ही हमने पहले ग्रिफिन को अंदर ब्रीडिंग सेंटर के अंदर डाल रखा है, तो इस ग्रिफिन को ब्रीडिंग सेंटर के अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस, आप पता तो यूनिकॉर्न को टेम करने के सबसे पहले आपको चाहिए ग्रिफिन का ब्रीड केबल। तो उसके बिना आप केबल मतलब टेम नहीं कर सकते, और मैंने ट्राई भी किया है तो उसके बिना आप टेम नहीं कर सकते। मैंने आइलोसोर के केबल या फिर गाजर उसे खिलाने का ट्राई कर चुका हूँ, तो टेम नहीं होता। तो मेरे को अब डर लग रहा है, कम से कम किसी बंदे ने 9 केबल के आसपास बोले थे, तो मेरे को डर लग रहा है कम से कितने केबल खाएगा। तो अब देखते हैं, एक केबल में मैं ट्राई करने वाला हूँ। और एक बात मैं बोलूँ तो एक सुनीमा भी मैं परचेस करने वाला हूँ एम्बर से, जो मिलता है मेरे ख्याल से उसका बुश कितना होता है देखने में, पर मैं जाकर देखूंगा कि कितना परसेंट टेम होता है, वो सब कुछ बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं आप मतलब जब से पहले देखते हैं इसका ब्रीडिंग कितना बड़ा है। तो गाइस, इसका ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब बहुत ही मतलब कम हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ 10 वाले सुनीमा का कितना देखते हैं, मतलब मेरे ख्याल से 10 वाले सुनीमा से होता है कि नहीं। पहले सबसे सुनीमा वाला सुनीमा में 15 रख लेता हूँ, बाद में मैं सोचूंगा बाद में परचेस करो या ना करो। मेरे पास अभी एम्बर नहीं देखा, देख अरे कहना क्या चाहते हो देख रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब 5 मिनट इंतजार करूँ और एम्बर इकट्ठा करूँ और उसके बाद मतलब उससे टेम करूँ। तो सबसे मेरे को देखना है कि इससे टेम होता है नहीं। तो सबसे पहले देखते मेरे खास से मैं उसे इकट्ठा करने वाला हूँ सबसे अबे साले की। तो ऐसी की तेजी, मैं 5 मिनट के लिए बाहर के चला गया। तुम लोग तो अपने पहले से तो दिख रहा होगा आपको, इन लोगों ने ब्रीडिंग मतलब फिर से मेरे को स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। अब इस पूरे स्टार्टिंग से पहले ही बताओ तो इतना देर लगती नहीं ब्रीडिंग मतलब अंडा देने में, अभी मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तो बाद में मिलता है। तो गाइस, ये आप हो चुके हैं 97 टकिन हो चुके हैं। तो गाइस, मैं क्या करने वाला अभी 5 मिनट रुकने वाला हूँ, इन्हें स्टॉप कॉल का कमांड देता रहा हूँ। मेरे को डर लग रहा है आखिरी वक्त में बात दूर ना चले जाए, बहुत ही मतलब देर से मतलब देर ही इतना अंडा, पता नहीं इसका अंडा कैसा होगा। तो गाइस, इन्होंने गोल्डन एक दे दिया है। ओह माय गॉड, तो सबसे पहले हमें गोल्डन एक को लेना है, और सबसे पहले गोल्डन एक को लेने के बाद आपको इसके सारे मतलब सामने आपको यूनिकॉर्न दिख रहा होगा। तो गाइस, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देता है आपने मतलब जो केबल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो गाइस, केबल के लिए सारे चीज़ें चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। एक मिनट, कुछ हो क्यों नहीं रहा अभी। सबसे पहले एक मिनट गाइस, मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ चीज़ क्या चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, ये चीज़ आपको मतलब किसी भी बेरी से इकट्ठा करने से या फिर कोई भी बेरी से इकट्ठा करने से आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली, इससे आपको एम्बर से खरीदना होगा। मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, अभी एम्बर से कहाँ मिलेंगे ये सारी ये चीज़ आपको भी दिख रहे हैं। तो इस गाइस आपको एम्बर में भी मिलेंगे, तो उससे आपको परचेस करना पड़ेगा। उससे पहले अभी दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले इसके अंदर डालना पड़ता है और उसके अभी देखते अभी हो रहा है क्या। आप गाइस, अभी हो रहा है, देखे गाइस हो गया, हमारे केबल बनके तैयार है। तो वो चीज़ आपको डालनी पड़ती है परचेस करके, अगर आपको किसी को मालूम नहीं है तो बता देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अभी मैंने मतलब 5 दिन बाद मतलब यहाँ पर वीडियो क्रॉप करी थी और मैंने यहाँ पर इंतजार किया था 40 एम्बर इकट्ठा कर ले। गाइस देखिए गाइस, मेरे को डर लग रहा है कि मामूली सुजाम से होगा या ना होगा। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला था गाइस, मैं आपको ये दिखाने वाला था कि वो मतलब वो सीट्स कहाँ मिलती है, आपको इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद इसमें जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहेगा ऐसे सीट दिख रहे हैं 10 एम्बर का मिलते हैं 2। तो आपको ये सीट खरीदने होंगे, तो उसके बाद आप केबल बना सकते हैं ग्रिफिन के। तो अभी क्या करते हैं, अपने सुनियो हम खरीदते हैं 40 एम्बर का। तो अभी इससे बूस्ट मिलने को पता नहीं कितना मिलता है कितना नहीं। तो सबसे पहले गाइस, आप बूस्ट देने के लिए मेरे को लगता है इसके अंदर ये डाल देता है और ये बस मच्छर हटे इसके अंदर ये केबल एक डाल देते हैं। तो गाइस, आप उनका 85 लेवल का क्या बोलते हैं, किधर गया अभी, किधर गया
इधर तो था। अबे किधर गया? आसपास ही तो था साला कमी। अबे किधर गया? अबे अबे ये तो था। अबे गाइस मिसिंग। मिल गया यूनिकॉर्न मिल गया। तो मैं तो डर ही गया लगता है। अबे कितनी मुश्किल से पता है इसके लिए, पता है ग्रिफिन पकड़ा। ग्रिफिन पकड़ने के बाद यहाँ पर आया हूँ किबल टेम करने के लिए। बहुत ही मेहनत लगी और ऊपर से मिसिंग, एक झटके मिसिंग। अबे ये पीछे क्या? एक मिनट गाइस ये पीछे, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने के बाद अबे इसके ऊपर बैठता हूँ, इसके ऊपर बैठने। अबे हवा में रुक गया, अच्छी बात है। अबे रुक, अबे रुक साली कमीने, रुक एक जगह पर रुक जा। अबे रुक, हाँ रुक गया रुक गया। अबे सबसे पहले खिलाए जाते गाइस, तो इसे खिला दिया किबल। तो गाइस फाइनली ये टीम हो गया गाइस। एक ही केबल में टेम हो गया। तो गाइस आपको मतलब मेरे को लगा ही था, पर मेरे को डर लग रहा था, किसी ने बोल दिया 9 केबल, मेरे को डर लग रहा था टेम होगा या ना होगा। तो गाइस ये देखिए, अगर इससे कूदते तो पीछे रेनबो आता है। हमाल में तेरे बाप को मत। तो ये एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी देखते हैं गाइस, बहुत ही सच बोलूँ ना, आर्क जो भी खेलता है उनकी मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि मतलब यूनिकॉर्न को पकड़े। तो बता रहे कि वैसे मुझे रेल ही मिल गया, तो तुम लोगों के भाई का लक है। तो आप मेरे को नहीं मालूम इसे कैसे मिलते और कहाँ पर मिलते हैं। तो गाइस सच्ची बात है, तो मेरे को खाली से मेरे कुणाल भाई ने मुझे बताया था कि कहीं भी स्पॉन होते हैं और कहाँ भी मिल सकते हैं आपको, बस आपके सरोवर में ढूंढना होगा। अपने इसका कोई स्पॉनिंग एरिया नहीं होता गाइस, मतलब एक पूरे सरोवर में आपको कहीं भी स्पॉन हो सकते हैं। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। तो आपको इसे ढूंढना होगा। तो गाइस ये मतलब इसकी एबिलिटी तो ज़्यादा कुछ मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, मेरे को डर लग रहा है इसे कोई मार ना दे। तो इसे मैं अपने संभाल के रखने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं वैसे बोलूँ तो। मैंने कौन मतलब टेम करना मतलब बहुत ही मुश्किल नहीं है, मतलब मतलब ईजी भी नहीं है स्कूल, तो इतना मुश्किल भी नहीं लगा मेरे को, इतना ईजी भी नहीं। तो मतलब मीडियम है आजकल, इतना मतलब ये नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, अभी तुम लोगों को उसकी कुछ लाइबिलिटी दिखा देता हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे इसका कलर और इसके ऊपर जो सींग है वो काफ़ी अच्छे, इतने बुरे भी नहीं है, और इमोट भी काफ़ी अच्छा कर लेता है। तो अभी इसका आपको कुछ चीज़ें दिखा रही थी गाइस, ये दिखाई थी इसका मतलब ये पू है, ये इसका पू खाने से आपको दिखाने तक क्या होता है। तो अभी दिखाता हूँ इसका पू खाने से क्या होता है, एक मिनट गाइस। तो सबसे पहले ये इसका सेकेंडरी अटैक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और मतलब जो हॉक्स कर सकता है वही सब कुछ ये करता है। तो गाइस इसका पू खाने से हमें सब कुछ कलरफुल दिखाई देता है। तो देखिए गाइस इसका पू खाने से हमें सब कुछ कलरफुल, ऐसा सब कुछ दिख रहा है ना, तो ऐसा मतलब सब कुछ कलर दिख रहा है। ये नहीं कौन देखिए गाइस बीच के नीचे कैसे रेनबो बन रहा है, वो मतलब इससे कूदने के बाद भी रेनबो बनता है, मेरे को नहीं मान होता अभी पता चला। मतलब सीधे ऊपर कूदते तो उसके बाद भी रेनबो बनता है। एक बात बताऊँ, इसकी मतलब जंप है वो काफ़ी लंबी होती है। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब बटन है, मेक श्योर आप सबको सब्सक्राइब कर लोगे। तो गाइस बाय बाय, सी यू।